नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक वक्त था जब पूरी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी टॉप थ्री में पहुंच गए थे और ये तरक्की उन्होंने ऐसे समय में किया था जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब हो गई थी। मतलब कोरोना काल और लॉकडाउन का ये वो दौर था जब गौतम अडानी ने बॉटम से लेकर टॉप थ्री तक का सफर तय किया था। अडानी ग्रुप के सभी शेयर आसमान छू रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अडानी के शेयर अर्श से फर्श पर धड़ाम से गिर गए और टॉप थ्री में शामिल अडानी फिर से वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। दरअसल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर कई खुलासे किए गए थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप को तगड़ा झटका लगा और एक ही पल में अडानी टॉप से बॉटम पर आ गए। आज फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार अडानी अमीरों की लिस्ट में खिसक कर 24वें पायदान पर पहुंच गए हैं, वहीं ब्लूमबर्ग के अनुसार 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं और ये सब कुछ हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद ही हुआ। हालांकि अडानी हिंडनबर्ग के खिलाफ केस भी लड़ रहे हैं, वहीं अब एक बार फिर से हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद फिर से माहौल गर्मा गया है। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में लिखा, न्यू रिपोर्ट सून, अनदर बिग वन। इस ट्वीट के बाद सभी यही अटकलें लगा रहे हैं कि फिर से हिंडनबर्ग कोई बड़ा खुलासा करने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि अब अगला निशाना कौन होगा। वैसे अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले गौतम अडानी की संपत्ति $150 अरब थी। अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग ने खुलासा किया तो अडानी की संपत्ति घटकर $53 अरब पर पहुंच गई। एक तरफ अडानी का नुकसान हुआ तो इसके साथ ही साथ अडानी ग्रुप में निवेशकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का भी काम शुरू कर दिया और इस मामले में JPC की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप पहली कंपनी नहीं है जिसे लेकर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है। इससे पहले वो कई और बड़ी कंपनियों पर रिपोर्ट निकाल चुकी है। इस पर आरोप है कि यह कंपनियों को लेकर रिपोर्ट निकालती है और जब उनके शेयर गिर जाते हैं तो उसे खरीदकर प्रॉफिट कमाती है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने जीनियस ब्रांड, आइडियानोमिक, निकोला, एस्टीवॉक्स, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, एस्टीवॉक्स, अफीरा, ट्वीटिंग जैसे कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट निकाल चुकी है। अब देखना होगा हिंडनबर्ग ने जो ट्वीट करके सबको चौंकाया है तो अब उसका अगला निशाना कौन होगा। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।